सेबी के नाम पर निवेशकों से हो रही है ठगी। यदि आपके पास भी आती है ऐसी कॉल्स तो हो जाएं सावधान। जी हाँ, शेयर मार्केट रेगुलेटर सेबी ने निवेशकों यानी कि इन्वेस्टर्स को धोखेबाजों से सावधान रहने की अपील की। सेबी ने चेतावनी जारी की है कि कुछ धोखेबाज निवेशकों को फोन करके खुद को सेबी का अधिकारी बता रहे हैं, साथ ही निवेशकों से उनकी शिकायतों का निपटारा करने के लिए पैसे मांग रहे हैं। सेबी ने निवेशकों को आगाह किया है कि ऐसी कॉल से बचकर रहें। ऐसे लोग सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी के नाम पर लोगों को धोखा दे रहे हैं। ये बात सेबी के संज्ञान में आई है, इसलिए सेबी ने निवेशकों से उनके फैले हुए जाल से बचने के लिए अलर्ट जारी किया है। सोमवार को जारी एक बयान में सेबी ने बताया कि ये धोखेबाज निवेशकों को उनकी शिकायतों के निपटारे के लिए खुद को सेबी के अधिकारी व सेबी के आधिकारिक संपर्क चैनल का बताते हैं और उन्हें ईमेल भेजते हैं। ऐसा मालूम हुआ है कि ये लोग निवेशकों से प्रोसेसिंग फीस और दूसरी कई तरह की फीस के नाम पर पैसे वसूल रहे हैं। सेबी ने निवेशकों को आगाह किया है कि वो इस तरह के किसी भी ईमेल का जवाब न दें, जैसा कि वो स्वयं को सेबी का कर्मचारी बता रहे हैं, उससे सावधान रहें। मार्केट रेगुलेटर ने व्यापारियों और निवेशकों को सेबी की असली और नकली वेबसाइट में अंतर को भी समझाया। सेबी ने बताया कि उनकी असली वेबसाइट है ये। निवेशक यहीं पर अपने शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। लोगों और निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वो ऐसी मिलती जुलती किसी दूसरी फेक वेबसाइट, लोगो, एक जैसे दिखने वाले डोमेन और ईमेल आईडी के झांसे में ना आए और इससे बच कर रहे। इस वेबसाइट का लिंक आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पा सकते हैं। मार्केट रेगुलेटर ने निवेशकों को सलाह दी है कि इस तरह की किसी भी फ्रॉड की जानकारी पुलिस या साइबर क्राइम अथॉरिटी को तुरंत दे। सेबी ने साफ किया है कि वो उनकी शिकायतों के निपटारे के लिए किसी भी तरह की फीस चार्ज नहीं करता है, इसलिए ऐसी किसी भी ईमेल से बचकर रहें। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।